हेलो स्टूडेंट, कोरल रीफ। कोरली रीफ आर इनवर्टिब्रेट्स बिलोंग्स टू नीडेरिया और सिलेंट्रेटा। अदर एनिमल्स इंक्लूडेड जेलीफिशेस, सी एनिमोन एक्सेट्रा। Cnidarian exhibit a wide variety of color, shape and size. Each individual of coral animal is known as polyp. तो ये जब हम कोरल रीफ के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कोरल का जो एक सिंगल इंडिविजुअल है उसको हम पॉलिप कहते हैं। अब बहुत सारे पॉलिप जो हैं जब ग्रुप में रहते हैं तो वो एक कलोनी बना लेते हैं, ठीक है। अब कलोनी जो बनती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग, दैट इज़ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है कि एक जो पॉलिप है वो अपने सेगमेंट से नई जो है पॉलिप जनरेट कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, एक पूरी कलोनी आइडेंटिकल कोरल्स आर लिविंग टुगेदर इन अ कलोनी, ठीक है। अगर हम एक लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम के बारे में वर्ल्ड के सोचते हैं तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। कोरल रीफ जो होते हैं वो लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऑन द प्लैनेट। और ये कहता है वो लिविंग स्ट्रक्चर हैं, अगर हम इनको स्पेस से भी देखना चाहेंगे तो भी हमें ये दिखाई देंगे। और मोस्ट यूनिक फीचर ये है कि कोरल से ही सिम्बायोसिस का जो फॉर्म है वो इवोल्व हुई थी, यानी कि हमें जो सिम्बायोसिस अगर हम कहें हमें कहाँ दिखाई दी थी सबसे पहले, तो वो कोरल रीफ्स के अंदर हमें दिखाई दी थी। कोरल रीफ जो होते हैं उनके अंदर कहता है सिंगल सेल प्लांट और एल्गी जिसको हम बोलते हैं ज़ूज़ेंथली, वो जो है उस पॉलिप के अंदर लिव करती है, ठीक है। हमने जब सीवीड्स के बारे में पढ़ा था तब हमने बताया भी था कि जो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एल्गी होती हैं वो, ठीक है, वो प्रेजेंट होती हैं इन कोरल्स के अंदर। और ये कहता है क्या करते हैं, आपस में सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसमें कोरल जो है एल्गी को स्पेस देता है, न्यूट्रिएंट देता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, और जो ज़ूज़ेंथली है वो जो है फूड प्रिपरेशन करके देते हैं, क्योंकि वो एल्गी है, वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड प्रिपेयर कर कोरल को देती है। जहाँ तक इकोलॉजी की बात आती है तो कोरल जो हैं, रीफ जो हैं, वो एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम का हिस्सा है। उनके साथ मैंग्रोव, सी ग्रास जो बेड्स हैं और कलरफुल फिशेस हैं वो कहते हैं एग्जिस्ट करती है। मैंग्रोव जो होते हैं हमें सबको पता है वो साल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं, जिनकी सबमर्ज रूट होती हैं, ये कहते हैं नर्सरी और ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं मैराइन लाइफ को, ठीक है। और वहीं पर जो है हमारी रीफ जो है वो भी माइग्रेट हो जाती है। अब ये कहता है ये न्यूट्रिएंट को ट्रैप करते हैं फॉर फूड सिंथेसिस, स्टेबलाइज द शोर लाइन, प्रोटेक्ट द कोस्टल जोन फ्रॉम स्ट्रॉम, मतलब कि ये उनको एक स्टेबिलिटी देते हैं उस इकोसिस्टम को। फिर कहते हैं दे हेल्प इन फिल्टर लैंड्स पॉल्यूटेंट। अब जो कहते हैं कोस्ट लाइन से पानी आ रहा है उसके साथ बहुत सारे पॉल्यूटेंट भी आ रहे हैं, उन पॉल्यूटेंट को एक तरह से ये मैंग्रोव्स की जो सबमर्ज रूट होती हैं ये कहता है फिल्ट्रेशन का काम करती है। सी ग्रासेस जो हैं वो भी, वो कहता है जो है फ्लावरिंग मैराइन प्लांट्स होते हैं, जो कि हमारे मैराइन सिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं और इन्हें फूड वेब
दे ऑल्सो प्रोवाइड नर्सरी एंड जुवेनाइल स्पीसीज ऑफ द सी एनिमल. ठीक है, फिल्टरिंग. अब ये कहता है कि जो सी एनिमल है उनको एक नर्सरी या ब्रीडिंग ग्राउंड चाहिए होता है सेफ. ठीक है, तो वो भी ये जैसे मैंग्रोव्स हैं ये सी ग्रास बेड भी प्रोवाइड करवाती है. इट ऑल्सो फिल्टरिंग सेडमेंट्स रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड स्टेबलाइजिंग द बॉटम. तो हमने देखा मैंग्रोव्स हैं चाहे वो सी ग्रासेस हैं जो कि कोरल रीफ के साथ एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, वो उनको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं. अब सॉफ्ट कोरल की जहाँ तक बात है तो कोरल जो होते हैं वो कहता है उनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं. उनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर कि वो हार्ड हैं या सॉफ्ट है. ठीक है, सॉफ्ट कोरल जो होते हैं उनके अंदर आते हैं सी फैंस, सी फैदर, सी विप्स, ये आते हैं. और ये कहता है बहुत ही सॉफ्ट बॉडी के होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास कैलकेरियस स्केलेटन जो है वो नहीं होता. वो कहता है आपस में जुड़े रहते हैं बाय जेली लाइक मेसोंग्लिया और रिजिड स्पाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं सेक्लेराइट, जो उनको सपोर्ट करते हैं, रिजिडिटी देते हैं. अब कहते हैं उनको स्पोर्ट क्योंकि वो खुद तो फ्लैशी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, तो वो जो जहाँ पर भी ग्रो करते हैं वो कहते हैं वो ऐसा वुडलाइन कोर एरिया होता है फॉर उनको स्पोर्ट ग्रोथ के लिए स्पोर्ट चाहिए होती है. वो कहते हैं जो सॉफ्ट कोरल्स हैं वो भी कॉलोनी में भी रह सकते हैं और सिंगली भी रहते हैं. और ये कहता है ब्राइटली कलर्स के होते हैं. पॉलिप जो होता है उसके अंदर कहता है 8 टेंटिकल सिमेट्री होती है. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगर आपको बाहर से देख के ये बताना है कि कैसे कोरल्स हैं वो सॉफ्ट हैं या हार्ड हैं, तो आप उनके टेंटिकल्स को काउंट करके बता सकते हैं. अगर वहाँ पर 8 टेंटिकल सिमेट्री है, उनके अंदर 8 या 8 मल्टीपल ऑफ 8 जो हैं टेंटिकल हैं, तो हम कहेंगे ये सॉफ्ट कोरल हैं. और इनकी कहते हैं फैदरी अपीयरेंस होती है, बहुत सॉफ्ट दिखाई देते हैं ये सॉफ्ट कोरल जो होते हैं. वो कहता है क्योंकि अब वो खुद सॉफ्ट हैं, उनके अंदर कोई स्केल्टन नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने आप को प्रीडेटर से बचाने के लिए वो केमिकल सिक्रीट करते हैं जिनके कारण वो अपने प्रीडेटर से बचे रहते हैं. हार्ड कोरल जो होते हैं वो भी कहता है कॉलोनी में ग्रो करती हैं, लेकिन वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनके पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन होता है. हार्ड कोरल जो होते हैं उनको हम हर्मिटाइट्स और रीफ बिल्डिंग कोरल्स भी कहते हैं. हार्ड कोरल जो होते हैं वो कहते हैं कि सी वाटर से कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करके अपना जो स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर है कैल्शियम कार्बोनेट का, वो बना लेते हैं, और जो उनको प्रोटेक्शन में हेल्प करता है और ग्रोथ में हेल्प करता है. ठीक है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो उनका स्केलेटन होता है वो कहता है उनको, क्योंकि उनकी बॉडी सॉफ्ट है लेकिन उनका स्केलेटन जिसके ऊपर वो स्टैंड करते हैं, अपने आप को सिट करते हैं, वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है. और वो क्या होता है ग्रोथ में भी हेल्प करता है कि जब कोरल डेड हो जाते हैं उनके डेथ के बाद उनका जो स्केलेटन है वो वहीं पर रहता है और नए कोरल जो हैं उस स्केल्टन के ऊपर आकर ग्रो करना. इस तरह से क्या होता है वो नया जो स्केल्टन है वो तैयार होता रहता है. जैसे जो कहता है जो उनका बेड है, सी बेड जो बन जाता है जहाँ पर कोरल रीफ ग्रो करते हैं, वहाँ पर वो इंक्रीज होता चला जाता है अगर जो सक्सेसिव जनरेशन में. अब कहता है हार्ड कोरल के जो पॉलिप होते हैं उनमें 6 फोल्ड सिमेट्री होती है, यानी कि वहाँ पर 6 टेंटिकल होते हैं या 6 के मल्टीपल ऑफ टेंटिकल होते हैं. जैसे कि हमने सॉफ्ट कोरल में देखा था वहाँ पर 8 फोल्ड सिमेट्री हमने देखी थी. अब इनका एनाटॉमी देखते हैं तो ये कहता है हमें पता है ज़ूज़ेंथोलीन जो है वो सिम्बायोटिक एल्गी है जो उनके पॉलिप के अंदर जो है रिजाइड करती है. पॉलिप का स्ट्रक्चर जो है कहता है बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमने क्या बताया सिंगल कोरल इज नोन एज पॉलिप. ठीक है, ये बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है. और इसकी बॉडी का जो एनाटॉमी है उसको भी हम देखें तो एक स्टमक है जिसके अंदर डाइजेस्टिव फिलामेंट प्रेजेंट हैं और
पॉलिप का एक माउथ है जिसके द्वारा वो फूड को इनटेक भी करते हैं और अनवांटेड जो वेस्ट है उसको एक्सपेल भी करता है, यानी कि माउथ इज ए सिंगल ओपनिंग। ठीक है, टेंटिकल जो होती हैं कहता है वो रिंग, इन द फॉर्म ऑफ रिंग, हमने देखा सॉफ्ट में वो 8 टेंटिकल्स की रिंग है और हार्ड कोरल में वो 6 टेंटिकल की रिंग है। वो रिंग जो हैं वो माउथ के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं और वो उनको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। फिर कहता है जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने बोला स्क्रीटेड बाय द स्टोनी पॉलिप्स एंड फॉर्म द प्रोटेक्टिव कप कॉल्ड कैलेक्स। अब आप देखेंगे इनके बेस पर जो है एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कैलेक्स बोल रहे हैं, जिसके अंदर पॉलिप जो है अपने आप को सेट कर लेता है। ठीक है, और बेस जो है कैलेक्स का जो बेस है उसको हम बेसल प्लेट्स बोलते हैं और उसकी वॉल जो को हम थीका वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। फूड को कैप्चर करने में कहता है कि जो टेंटिकल है उनके पास स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं जिनको निमेटोसिस्ट बोलते हैं, इनको नीडोब्लास्ट सेल भी बोल देते हैं, जो क्या करते हैं अपने प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं और इसकी जो आउटर सेल के पॉलिप के अंदर प्रेजेंट है उसकी एक एपिडर्मिस होती है। एक कहता है क्योंकि हमने देखा जो कोरल्स हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, तो वो कोरल जो हैं पॉलिप्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ एक लिविंग टिश्यू के कनेक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो उनके अंदर कहता है एक दो पॉलिप जो हैं वो आपस में थिन बैंड ऑफ लिविंग टिश्यू जिसको हम बोलते हैं क्वेनोसार्क, उनके द्वारा जो हैं ये आपस में जुड़े हुए होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं विद वन अनदर। फिर डेवलपमेंट देखते हैं। अब कहता है कि डेवलपमेंट कैसे होती है, कोरल रीफ जो हैं वो कैसे बनती हैं। तो कहता है डार्विन ने 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो है वो बताई थी। डार्विन, चार्ल्स डार्विन जो है जो फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने ओरिजिनली ये बताया था कि कैसे कोरल रीफ की डेवलपमेंट होती है, और वो उन्होंने बेस लिया था कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। तो फ्रिंजेस रीफ जो होती हैं सबसे मोस्ट कॉमन टाइप की रीफ्स होती हैं, और ये कहता है बिल्कुल जो एमर्जेंट लैंड है उसके एकदम पास में होती हैं और वो शैलो होते हैं, नैरो होते हैं और रिसेंटली फॉर्म्ड होती हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज है कोरल रीफ की वो फ्रिंजिंग रीफ होती हैं। वो कहता है कि अपने कोस्ट लाइन से और सी लाइन जो मेन मेजर सी है, बिग वाटर बॉडी है, उससे सेपरेट होते हैं बाय अ नेविजिबल चैनल, और इसको हम लेगून जो है वो मिस वर्ड यूज़ किया जाता है क्योंकि ये कोस्ट के साथ जो पैरेलल जो है वो एक चैनल होता है जहाँ पर वो ट्रांसपोर्टेशन शिप या बोट जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं। और कहता है कि जो फ्रिंजेस रीफ होती हैं वो सीवर्ड तरफ डायरेक्टेड होती हैं। ठीक है, और ये कहता है फॉर्मिंग बॉर्डर अलोंग द शोर लाइन, यानी कि जो हमारी शोर लाइन है उसके साथ साथ चलता है, या एक वर्ड और है कि वो सराउंडिंग द आइलैंड, जो हम एटोल फ्रिंजेस की बात करेंगे वहाँ पर आएगा। तो ये कहता है कि बिल्कुल सी शोर के बिल्कुल साथ साथ एक पैरलर बनाता है और ये बहुत छोटे होते, ये कहता है कि ज़्यादा लंबे नहीं होते, शॉर्ट होते हैं, नैरो होते हैं। ठीक है, फिर आता है बैरियर रीफ। बैरियर रीफ कहता है कि ये बॉर्डर शोर लाइन बट एट ए ग्रेट डिस्टेंस, कहता है ये भी शोर लाइन के बिल्कुल पैरेलल होते हैं लेकिन ये ब्रॉड होते हैं और ग्रेट डिस्टेंस को कवर करते हैं, यानी कि लंबी दूरी तक जो है वो दिखाई देते हैं। वो भी कहता है अपने लैंडमार्क से सेपरेट होते हैं लेकिन वहाँ पर वो नेविजिबल या जो चैनल होता है वो नहीं होता, वहाँ पर लेगून होता है जो कि जहाँ पर आप देखेंगे फ्रिंजेस के ये जो लेगून होता है ये ओपन होता है, सेवरल माइल तक चौड़ा होता है और सेवरल टेंस मीटर ऑफ डीप वाटर जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
और ये कहता है कि ये सैंडी आइलैंड को भी कवर्ड करते हैं विद करैक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ वेजिटेशन। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो बैरियर रीफ है वहाँ पर हमें कुछ वेजिटेशन भी दिखाई देती हैं जो कि फ्रिंजेस रीफ के अंदर नहीं दिखाई देती। और ये कहता है कि जो कोस्ट लाइन है वहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर में आप देखेंगे एक बाईपास से बने होते हैं, और वो बाईपास वो होते हैं जहाँ पर कोई रिवर जो है एंट्री कर रही होती है इनके लेगून के अंदर। फिर आते हैं एटोल रीफ। ये कहता है फ्रिंजिंग रीफ ही होती हैं, लेकिन ये कहाँ पर हैं? ये कहता है कोई भी वॉल्केनिक आइलैंड दैट सिंक कम्प्लीटली बिलो सी लेवल। वो कहता है जब बिल्कुल सी लेवल से बिल्कुल नीचे चला जाता है और कोरल जो है उसमें अपवर्ड जो है ग्रो करना शुरू कर देती है, कि वो लैंड मास था एक और उसके चारों तरफ उसने ग्रो करने शुरू कर दिया। ये कहते हैं बड़े होते हैं, बहुत लार्ज होते हैं और रिंग शेप या ओवल शेप होते हैं, और ये लाइंग ऑफ द कोस्ट यानी कि कोस्ट से दूर होते हैं। जैसे हमने फ्रिंजिंग रीफ देखा, हमने बैरियर रीफ देखा, वो कोस्ट लाइन के पैरलर जो है वो ग्रो करते थे। अब ये कहता है इनके भी सेंटर में लैगून होता है, ठीक है, जो इनका एमर्जेंट पार्ट होता है रीफ का, वहाँ पर कहता है सेडिमेंट जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। सेडिमेंट जहाँ भी सेटल्ड हो जाते हैं वहाँ पर वो एक सबस्टेटम प्रोवाइड कर देते हैं जहाँ पर क्या है अदर वेजिटेशन जो है ग्रो कर पाती हैं। और यहाँ पर कहता है जो अटोल रीफ्स हैं वहाँ पर हमें कोकोनट ट्री भी जो है वो दिखाई देते हैं। एटोल्स डेवलप नियर सी सरफेस और अंडर वाटर आइलैंड और ऑन आइलैंड दैट सिंक और सबसाइड, मतलब कि एटोल जो हैं हमें कहीं भी दिखाई दे सकते हैं नियर द सी सरफेस ऑन अंडर वाटर आइलैंड और आइलैंड दैट सिंक्स और सबसाइड हो रहा है उसके पास, ठीक है। फिर है फीडिंग, कि ये खाना कैसे खाते हैं। कोरल रीफ हमने देखा कि उनके अंदर पहला तो क्या है जूजेंथोलिन प्रेजेंट है, वो क्या करती है इनको खाना प्रिपेयर करके देती है। दूसरे उनके पास कहता है ये नहीं है कि बस उसी खाने के ऊपर ये सर्वाइव करते हैं, इनके पास टेंटेकल होते हैं जिनके द्वारा ये अपने आसपास जो वाटर करंट में छोटे छोटी फिशेज हैं प्लैंकटोन्स हैं या फूड पार्टिकल्स आते हैं उनको कैच कर लेते हैं। और कहते हैं सरफेस हमें पता है टेंटिकल के सरफेस पे थाउजेंड ऑफ स्टिंगिंग सेल्स होते हैं नीडोब्लास्ट या उनको हम निमेटोसिस्ट सेल बोल देते हैं, जो कहता है कि छोटे छोटे प्रेज जो स्विम कर रहे होते हैं उनके साथ वो उनको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है, और किलिंग बिफोर एंट्रिंग इनटू द माउथ। रिप्रोडक्शन देखते हैं, इनकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कोरल जो है प्रीडोमिनेंटली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कहते हैं अगर हम इनका डाटा देखते हैं तो 2500 टाइपिक जो कोरल्स होती हैं वो फॉर्म सिंगल सेल सिंगल सेक्स कॉलोनी बनाती हैं, रेस्ट जो है वो हर्मेफ्रोडिटिक टाइप की होती हैं, यानी कि वो जो हैं वो सिंगल सेल होती हैं 25% ओनली, बाकी जो 75% होती हैं वो हर्मेफ्रोडिटिक होती हैं। इसमें से आप कहते हैं कि ब्रॉडकास्टर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर होते हैं उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, वो क्या होते हैं कि ये जो 75% जो हर्मेटाइप कॉलोनी होती हैं वो ब्रॉडकास्ट स्पॉन करते हैं, यानी कि अपने जो एग हैं या स्पर्म हैं उनको रिलीज कर देती हैं। जब ये गैमीट को रिलीज कर देती हैं इनटू द वाटर तो गैमीट जो हैं वाटर के सरफेस के ऊपर फर्टिलाइजेशन करते हैं और माइक्रोस्कोपिक लार्वा जो है जो माइक्रोस्कोपिक लार्वा है वो बनता है जिसको हम बोलते हैं प्लैनुला। ये पिंक कलर का एलिप्टिकल शेप का होता है। फिर आते हैं ब्रूडर्स। ब्रूडर्स जो होते हैं वो कहता है ए हर्मेटाइपिक होते हैं, यानी कि वो रीफ नहीं बनाते, ठीक है, मतलब कि स्टोनी कोरल जो हैं वो नहीं होते, और इनमें कहता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ये अपने स्पर्म को रिलीज कर देते हैं
और वो जो है वो कहता है नेगेटिवली बॉयंट होते हैं, यानी कि वो फ्लोट नहीं कर पाते, वो क्या हो जाते हैं सिंक करते हैं, सिंक करके वो जो अनफर्टिलाइज एग को कैरियर हैं उनके ऊपर सेट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और वो भी कहता है सॉफ्ट लार्वा बनाते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोपिक लार्वा होता है प्लैनुला बोल देते हैं। अब कहता है जो प्लैनुला बना है वो कहता है 3 to 4 days मिनिमम या अप टू 2 months के बीच में जो है वो टाइम ऑफ स्पॉनिंग होता है लार्वा के सेटलमेंट का, और फिर वो जो है अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उनकी सेटलमेंट हो जाती हैं, वो पॉलिप बनाना शुरू कर देते हैं और पॉलिप जो है धीरे धीरे आपको ये पिक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, मेटामॉर्फोसिस हो जाती है जुवेनाइल पॉलिप में और वो एक फुल फ्लैश पॉलिप जो है मैच्योर पॉलिप जो है वो बना लेता है। कोरल स्पॉनिंग के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उनको उनका एक फिक्स टाइम होता है और हर साल बिल्कुल सेम टाइम पर वो जो हैं स्पॉनिंग करते हैं। एक लूनर साइकिल या लूनर कैलेंडर को अगर हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारे डाइवर जो हैं वो कहता है उसी सीज़न में वहाँ जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर जब एग्स हैं और स्पर्म जो हैं वो रिलीज्ड होते हैं, उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, ये सब बहुत और बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं कि कौन से सॉफ्ट कोरल हैं कौन से हार्ड कोरल हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत अच्छा जो है वो उनको मैटर मिल जाता है रिसर्च के लिए। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे तो क्योंकि हमें पता है कॉलोनी जो होती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉलिप्स होते हैं, वो कहता है बाय बडिंग और बाय डिवाइडिंग, दो प्रोसेस के द्वारा जो है अपनी कॉलोनी को ग्रो करते हैं। बडिंग में कि स्मॉल पॉलिप्स जो है वो स्प्लिट हो जाता है और वो दूसरी अडल्ट में कन्वर्ट कर लेता है बाय फॉर्मिंग इट्स बॉडी पार्ट्स। डिवाइडिंग में कहते हैं कि वो पॉलिप जो है या तो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर लेता है या वो ट्रांसवर्सली डिवाइड कर लेता है, कि अगर वो ब्रॉडन है बड़े हैं चौड़े हैं तो उनका लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न हो जाता है, माउथ एंड टेंटिकल जो है वो नए सिंथेसाइज हो जाते हैं और टू पॉलिप जो हैं क्रिएटेड देयर मिसिंग बॉडी पार्ट्स एंड एक्सोस्केलेटन। ट्रांसफर में बॉडी जो है वो दो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बेसल डिस्क जो है वो अपर डिस्क बना लेती है और लोअर डिस्क जो ओरल या अपर डिस्क है जिसको हम टॉप बोलते हैं वो बॉटम या बेसल डिस्क जो है वो बना लेती हैं, जनरेट कर लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहता है बेनिफिट रहता है कि हाई रिप्रोडक्टिव रेट रहती है, उसमें कहता है सेनेसेंस है वो भी डिले हो जाती है, जो डेड बॉडीज हैं उनकी रिप्लेसमेंट उनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इजी हो जाता है।